चिन्मयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान सैनिकों पकड़ लो इसे। मैं स्वयं चलता हूँ, मुझे भी लंकेश रावण से मिलने की अभिलाषा है। मेघनाथ, इसी क्षण इस वाचाल वानर का शीश इसके धड़ से भिन्न करके इसके स्वामी बनवासी राम के पास भिजवा दो। ये वानर एक दूत है और किसी का अनुचर है, और धर्म शास्त्रों के अनुसार हम किसी भी दूत का वध नहीं कर सकते। ये मेरा भ्राता होकर ये इस वानर का पक्ष क्यों ले रहा है? महाराज, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि दूत दंड मुक्त होता है। दूत के लिए शास्त्रों में अन्य दंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप इसके किसी अंग को विकृत कर सकते हैं, इसका सर मुंडवा सकते हैं, या इसे कोड़ों से पिटवा सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में दूत का वध नहीं कर सकते हैं। मंत्रीवर विभीषण ठीक कह रहे हैं महाराज, प्राण दंड का भागी वह शत्रु है जिसने इस तुच्छ वानर को यहां भेजा है। महाराज, एक वानर को मार करके हम अपहस के ही भागी होंगे। किंतु इस वानर का स्वामी तो यहाँ पर नहीं है, हम उसे प्राण दंड कैसे दे सकते हैं? हम जानते हैं, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं हुआ कि हम इस पराधीन वानर को प्राण दंड दें। इसने तो जो कुछ भी किया है अपने स्वामी के लिए किया है। महाराज, इस वानर को मृत्यु दंड ना देकर ऐसा कठोर दंड देना चाहिए जिससे कि स्वयं अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हम किसी दंड शास्त्र से नहीं बंधे हैं और ना ही किसी दंड शास्त्र को मानने के लिए विवश हैं। हम किसने बनाए हैं यह दंड विधान, किसने रचे हैं यह दंड शास्त्र? हमें इन शास्त्रों पर तनिक भी विश्वास नहीं है, जो हमें यह शिक्षा देते हैं कि अत्याचार सहन करके शांत बैठे रहो। मैं ऐसे नीतियों को अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करता हूं मैं। अब आप त्रिलोक जय सम्राट हैं महाराज, यदि आप नीतियों का उल्लंघन करेंगे तो आपकी प्रजा भी आपकी नीतियों का उल्लंघन करेगी। विभीषण, तुम हमारे भ्राता होकर इस तुच्छ वानर का जीवन बचाने के लिए व्यर्थ में इतना प्रलाप क्यों कर रहे हो?
मैं व्यर्थ का प्रलाप नहीं कर रहा हूं महाराज। सत्य तो यह है कि हम सब शास्त्रों के अधीन हैं। इसका उल्लंघन आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। आप भले ही शास्त्रों को ना माने किंतु समस्त संसार आपको धर्म आचार्य, नीति नियंता, कुशल राजनीतिज्ञ और महाज्ञानी मानता है। अपनी इतनी शक्तियों के कारण ही हमने इस दूत के वध का आदेश दिया है विभीषण। लंकेश, यदि आपने दूत वध की परंपरा आरंभ की तो आपका दूत भी मृत्युदंड का भागी हो सकता है। और ऐसे में शत्रु से आपका संपर्क टूट जाएगा जो कदापि शुभ नहीं होगा। तुम्हारा तर्क विचारणीय है विभीषण। पुनः हम इस वानर को दंड शास्त्र के अनुसार ही दंड देंगे। जो मृत्यु दंड से भी अधिक पीड़ादायक होगी। मृत्यु दंड से भी अधिक भयंकर होगा वो दंड। कितना भ्रमित और अज्ञानी है ये लंकेश। ये नहीं जानता कि मुझे दंडित करके ये स्वयं दंडित होगा। मूढ़ है ये। अपने और लंका के भविष्य को ये कदापि नहीं देख रहा है। ऐसा कौन सा दंड होगा लंकेश? यदि आप ही विचार करके निर्णय करें तो उत्तम होगा। एक वानर को उसकी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। उसके सम्मान का प्रतीक होता है उसकी पूंछ। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहाऊं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी, कुनि पावक देहु लगाई। इस वाचाल वानर की पूंछ में बहुत से वस्त्र लपेट कर उसे तेल में डुबोकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर लंका के गली गली में घुमाओ। जिससे न केवल इसकी पूंछ भस्म होगी अपितु इसका स्वाभिमान भी भस्म होकर नष्ट हो जाएगा। पूछहीन पानर कहाँ जाई, पूछहीन पानर कहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिन कै की निसी बहुत बड़ाई,
कह कीनी सी बहुत बड़ाई देखूं मैं तिन के प्रभुताई देखूं मैं तिन के प्रभुताई। जाओ ले जाओ इसे। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? क्या पुनः कोई अशुभ सूचना मिली? सब कुशल तो है ना? हाँ महारानी जी, प्रसन्नता की बात तो ये है कि राजकुमार मेघनाथ ने उस उत्पादी वानर को बंदी बनाकर दरबार में ले आए हैं। क्या? पर उस वानर के साथ क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? महाराज ने इस वानर को ऐसा दंड दिया है कि वो जीते जी मर जाएगा। कैसा दंड? उसकी पूछ में आग लगाने का आदेश दिया है उन्होंने और रुई और ढेर सारे वस्त्रों से उसकी पूछ बांधी जाएगी। उसकी दुर्दशा देखने के लिए महल के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है महारानी जी। इससे क्या मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? लौट आएगा मेरा अक्षय कुमार? तुम जाओ। इतना कुछ होने के बाद भी महाराज ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बड़ी आशंका हो रही है। अब तेरी ये ब्रह्म पाश इंद्रजीत ही खोलेगा। सैनिकों लगा दो इस वानर की पूंछ में आग। लगा दो और लपेट दो इसकी पूंछ में कपड़े। इतनी छोटी पूंछ और इतनी सामग्री। कहीं ये व्यर्थ ना हो जाए। पुनः पूंछ में लगे अग्नि का कोई प्रभाव भी तो होना चाहिए। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। हनुमान अब तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। प्रभु श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दंड के नाम पे ये अत्याचार मुझसे नहीं देखा जाता मंत्रीवर। अविंद हम इसे रोक भी तो नहीं सकते। अब तो ईश्वर ही लंकेश को रोक सकता है। संसार में तो अन्य प्राणियों से इन्हें कोई भय ही नहीं है। अविंद
ये भी तो हो सकता है कि ईश्वर ने इस वानर को ही अपना माध्यम बनाया हो। हाँ मंत्रीवर, इस वानर को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। चिंता ना करें विभीषण जी, जिसके रक्षक स्वयं प्रभु श्री राम हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो केवल प्रभु कार्य में हो रहे विलंब की चिंता है। पता नहीं युवराज अंगद सहित समुद्र तट पर बैठे हमारे अन्य मित्र क्या सोच रहे होंगे। तात, अब हमारी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं हनुमान का क्या हुआ। अब तो आशंका हो रही है कि कहीं वो। नहीं युवराज नहीं, आप ऐसी कोई आशंका प्रकट ना करें। चिंता तो हमें भी हो रही है, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हनुमान सफल होकर ही लौटेंगे। आपके विश्वास का कोई आधार भी तो नहीं है तात। हनुमान का सच मुझसे छुपा नहीं है युवराज। मेरे विश्वास का आधार हनुमान की योग्यता और उनकी क्षमता है। ईश्वर करे वो इस कार्य में सफल हो। सच तो यह है कि हम हनुमान के बिना अधूरे हैं। जब कोई कुछ सोच नहीं पाता था तो हनुमान कुछ ना कुछ अवश्य सोच लेते थे। क्षमा करे तात, मैं आपका महत्व कम नहीं कर रहा हूं तात जामंत, किंतु मैं समझ रहा हूं युवराज। हनुमान के महत्व को मैं स्वयं भी नहीं नकार सकता। अब तो ऐसा ही लग रहा है। जब तक हनुमान थे हमने गंभीरता से उनके बारे में नहीं सोचा, किंतु अब एक एक दिन पर्वत के समान लग रहा है। कभी कभी तो मन विकल हो जाता है। मुझे तो लगता है राक्षसों ने उन्हें बंदी बना लिया है युवराज। संसार का कोई भी बंधन हनुमान को नहीं बांध सकता नील। हमने बताया था कि उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वो तो ठीक है तात, पर राक्षसों की क्रूरता से हनुमान कैसे बच सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो उन्हें भोजन भी नहीं दे रहे हो। राक्षस बड़े ही क्रूर होते हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इससे अधिक और सोच भी क्या सकते हो तार। वैसे तुम्हारा दोष भी क्या है। सभी अपनी बुद्धि के अनुरूप ही सोचते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि उसकी वैसी सोच। सही कहा तात आपने, इसे तो केवल अपनी भूख की पड़ी रहती है। अगर आज हनुमान यहाँ होते तो हमें किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। पुनः वही चिंता। हम यहाँ हनुमान के न लौटने की चिंता में व्यतीत हो रहे हैं और इन्हें छुदा पीड़ा सता रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसी चर्चाएं तो होती रहेंगी युवराज, आप अपना धैर्य ना खोएं। अब तक तो हमने धैर्य धारण कर रखा है तात, किंतु अब धैर्य की भी सीमा समाप्त होती जा रही है। कभी कभी तो लगता है कि स्वयं समुद्र पार करके लंका जाए और देवी सीता समेत हनुमान का भी पता लगाकर वापस आए। अब धन्य है युवराज। आज हमें संकल्प करना होगा कि किसी भी स्थिति में हम महाराज सुग्रीव और श्री राम से मुख नहीं छुपाएंगे। प्रयास तो यही है, किंतु यह तभी संभव होगा जब हनुमान सुरक्षित वापस लौट आए। मोचन जय हनुमान।
और कपड़े लेके आओ सैनिको। रहा ना नगर बसन ध्रुत तेला, रहा ना नगर बसन ध्रुत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। उठो कायरो, उठो उठो कायरो। क्या मेरे सैनिक इतने दुर्बल हैं कि एक वानर के पूंछ हिलाने मात्र से गिर जा रहे हैं? लज्जा नहीं आती तुम सबको? अरे अब कितना विलंब करोगे, मुझे यथा शीघ्र समुद्र पार करना है। तुम सबको क्या पता कि प्रभु श्रीराम कितने चिंतित होंगे? अब करना भी क्या है, लंका के सारे वस्त्र तो मेरी पूछ में लपेट दिए हैं, अब तो आग लगाना ही शेष है। लगा दो उसकी पूछ पर आग और ले जाओ उसे लंका की गलियों गलियों में, ताकि इसे पता चल सके कि लंका पर अत्याचार करने का हर्ष क्या होता है। जय श्री राम। प्रणाम माते। अहो भाग्य। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।